देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया, या इससे पहले आज के टॉपिक से पहले हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल के टॉपिक से स्टार्ट किया था और हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या थी? अगर क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। आज हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एक चार्ज रिंग की वजह से कितना होगा एक्सिस पे, चार्ज डिस्क की वजह से कितना होगा एक्सिस पे, शेल की वजह से कितना होगा, सॉलिड स्फेयर की वजह से कितना होगा। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू डिस्क, ड्यू टू शेल, सॉलिड स्फेयर और लाइन चार्ज, सेम पोटेंशियल के भी सेम टॉपिक्स रहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, रिंग की, तो रिंग के केस में चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग के ऊपर मान लो ये क्यू चार्ज है इसमें, और इसके एक्स डिस्टेंस दूर हमें वी निकालना है। तो अगर ये एक्स है, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों लिया ये डिस्टेंस, क्योंकि हमें पोटेंशियल किसकी वजह से आता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम क्या करेंगे, रिंग के ऊपर क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहां पर स्मॉल चार्ज लेंगे डी क्यू। तो डी क्यू इज अ स्मॉल चार्ज और पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, तो ये पॉइंट चार्ज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पे कितना वी लगाएगा, स्मॉल वी लगाएगा। कितना स्मॉल वी लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल वैल्यू ऑफ वी आ गई, जो किसने लगाई, डी क्यू ने लगाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैंने ये बताया, आपके पास एक रिंग है, क्यू चार्ज है, आपको रिंग का वी निकालना नहीं आता, आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल पोटेंशियल आया, आपको पूरी रिंग के ऐसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से टोटल पोटेंशियल वी निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने इन दोनों साइड्स को क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन में लिमिट्स कैसे लगेंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज है और टोटल चार्ज रिंग पे कितना है, क्यू, तो लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके क्यू एंड जीरो से लेके वी। तो जब कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आएंगे। अब जब कॉन्स्टेंट्स की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि एक्स वेरिएबल है, एक्स इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, जबकि मैंने यहां पर एक्स को क्या माना, कॉन्स्टेंट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जहां पर पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट एक्स है और वो फिक्स्ड है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज है, एक्स के साथ तो इंटीग्रेशन वैसे भी नहीं है, एक्स इज नॉट अ वेरिएबल। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो सब कॉन्स्टेंट्स बाहर आएंगे, इंक्लूडिंग एक्स वाली टर्म, और क्या बचेगी, 1 dq, और 1 dq की इंटीग्रेशन 0 से q क्या होगी, q। तो आपके पास ये नेट आंसर आएगा। तो जो आपने रजिस्टर लगाया जिसमें फॉर्मूलाज की लिस्ट आप मेंटेन कर रहे हो, उसके अंदर एक और फॉर्मूला नोट कर लो कि पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे ये वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि पोटेंशियल रिंग के सेंटर पे निकाल लो, तब जब रिंग के सेंटर की बात होगी तो एक्स को क्या पुट करेंगे, जीरो। तो जब एक्स को जीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या आएगा, आर आंसर। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, एक रिंग के एक्सिस के ऊपर वी क्या होगा और एक रिंग के सेंटर पे वी क्या होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, फॉर्मूलास क्लियर है यहां तक? तो रिंग के सेंटर पर वी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, मैक्सिमम। जो रिंग है उसके सेंटर पे वी मैक्सिमम आता है। और अगर किसी ऑब्जेक्टिव में ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए कि आप वी का ग्राफ प्लॉट करो डिस्टेंस के साथ, तो जैसे एक रिंग है, आप रिंग के सेंटर पे हो तो आपका वी मैक्सिमम है, आप रिंग के एक्स डिस्टेंस राइट या लेफ्ट जाओगे तो आपका वी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हो तो आपका ये वेरिएशन ड्रॉ करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रिंग के एक्सिस पर वी कैसे चेंज हो रहा है, ये इसकी वेरिएशन है।
हमने सेम क्वेश्चन ई के लिए भी किया था, ई की वेरिएशन भी मैंने आपको बुकलेट के अंदर मार्क करके दी है, सिमिलरली वी की वेरिएशन भी मैंने मार्क करके दी है। क्या है पॉइंट, क्लियर है? कोई बताएगा चार्ज रिंग के सेंटर पे ई क्या होता था? जीरो, राइट, ठीक, लेकिन वी इज नॉट जीरो, वी इज मैक्सिमम। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो ये पहला मेथड था, लेकिन कई बुक्स आपको दूसरा मेथड भी यूज करती हुई दिखेंगी। हमने चाहे मेथड नंबर वन ही करना है, पर मैं आपको मेथड नंबर टू एक बार बता देता हूं, ऑप्शनल है और हो सकता है यहां पे काम ना आए, कहीं और काम आ जाए ये मेथड। वो क्या, हमने रिंग के एक्सिस पर ई निकाला था, और ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक था, जब वो वेक्टर ड्रॉ करते थे ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, तो हमने ई का ये फॉर्मूला ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो हमने ई लिख लिया। पर मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है, वी निकालना है। तो एक क्या तरीका है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ई गिवन है और वी निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखें ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीएक्स, क्योंकि एक्स के साथ ई और वी चेंज हो रहे हैं। तो आप ये फॉर्मूला लिखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डीएक्स, इस ई की वैल्यू को यहां पुट करें और इंटीग्रेट करें। मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की इंटीग्रेशन यूज होगी, जिसको मैथ्स के टीचर आपको अभी करवाएंगे, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने नहीं करनी, लेकिन आपको मेथड बता रहा हूं कि इन तरीकों से भी आप बिना किसी उस डायग्राम ड्रॉ किए, अगर आपको सिंपल ई की वैल्यू या ई का फॉर्मूला गिवन है और आपको वी की वैल्यू पूछ रहे, आप ऐसा कर सकते हैं। उल्टा भी ट्रू है, जैसे अगर आपको वी दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, ई पूछ लिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। तो आप V की वैल्यू को यहां पे पुट करें, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालें, इसकी इन डिफ्रेंसिएशन करें, ये टर्म ऊपर जाएगी रेस टू पावर माइनस हाफ, और अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। हमने करना नहीं है, हमने E ऑलरेडी किया हुआ है, हमने V अभी कर लिया, पर मैंने आपको मेथड बताया कि मैथमेटिकल फंक्शंस में अगर E गिवन है तो कैसे V, और अगर V गिवन है तो कैसे E को निकाला जा सकता है। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टेक्निक को मैं यूज भी करूं, इसमें तो नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन मेज में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको दो रिंग्स दे रहा है, वो दो रिंग्स आमने सामने है, दो रिंग्स में एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है। इस रिंग का चार्ज Q1 है, इस रिंग का चार्ज Q2 है। क्या करना है, क्वेश्चन है कि आपने Q0 चार्ज को यहां से उठाया और Q0 चार्ज को B से A पे रख दिया, तो आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें। तो मुझे यह पता है कि वर्क डन फ्रॉम B टू A कितने चार्ज को उठा के रख रहे हैं, Q0, तो वर्क डन अपॉन Q0 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि चार्ज को B से A पे रख रहे हैं, तो A इज द फाइनल पॉइंट एंड B इज द इनिशियल पॉइंट, तो क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। अब इस वर्क डन की कैलकुलेशन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, VA एंड VB। तो अगर आप VA और VB निकाल लें, तो उन वैल्यूज को यहां पुट करके आप वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो VA और VB निकालते हैं, यह आपका A पॉइंट है, तो इस A पॉइंट, ये जो आपका A पॉइंट है, इस A पॉइंट के ऊपर ये रिंग पोटेंशियल लगाएगी, ये Q2 वाली रिंग भी पोटेंशियल लगाएगी, तो रिंग नंबर जो वन है A पॉइंट उसके सेंटर पे लाई करता है, तो Q1 यहां पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1, डन। तो रिंग के सेंटर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, कोई डाउट इसमें? अगर Q2 की बात करते हो, तो ये A पॉइंट Q2 के कहां लाई करता है, एक्सिस पे लाई करता है, और अभी अभी मैंने फॉर्मूला करवाया कि एक्सिस के ऊपर V कैसे निकलेगा, Q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये देखो Q2 बाय दिस डिस्टेंस, तो ये पॉइंट इसके सेंटर पे लाई करता है, तो सेंटर का फॉर्मूला, और ये पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई करता है, तो इसके लिए एक्सिस का फॉर्मूला, क्लियर है? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी, बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट इसके सेंटर पे लाई करता है, तो सेंटर का फॉर्मूला, और इसके एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्सिस का फॉर्मूला। तो इसका मतलब कि ए पॉइंट एक का सेंटर है और एक का एक्सिस है, बी पॉइंट एक का सेंटर है एक का एक्सिस है, तो वहां से आपने वी एंड वीबी को कैलकुलेट किया, जो भी वीए और वीबी आया
वो आपने कहां पुट कर लेना है, VA और VB यहां पे माइनस करना है, आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? और मैंने ये भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, इतना बड़ा ऑप्शन नहीं आता। आपको ये भी आर देगा, आपको ये भी आर देगा, ये भी आर देगा, तो फिर आपका आंसर भी थोड़ा आसान हो जाएगा। हर जगह अगर आर 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 पुट करेंगे तो फिर उस केस में आपके पास वर्क डन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहां तक हमने किया, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पोटेंशियल किसकी वजह से निकालना है, ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। डिस्क के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है एरिया वाइज, तब कौन सी डेंसिटी यूज करते हैं, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डिस्क का कोई फॉर्मूला हमें आता नहीं, डिस्क के एक्सिस पे मुझे वी निकालना है। अब डिस्क की क्या प्रॉब्लम है, डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग्स से, याद करो बहुत सारी रिंग्स रिंग्स रिंग मिला के हमने क्या बनाई, एक डिस्क बना दी। अब रिंग के एक्सिस पर वी का फॉर्मूला मुझे आता है, तो मैं काम करूंगा कोई भी आर्बिट्ररी एक रिंग ले लूंगा, उस रिंग का वी निकाल लूंगा जो मुझे आता है। अभी मैंने फॉर्मूला किया रिंग के एक्सिस पे वी मुझे आता है, और उस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करके मैं पूरी डिस्क का वी कैलकुलेट कर सकता हूं। ये टॉपिक डिस्क का एनसीईआरटी में नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके डेरिवेशन पे नहीं आएगा, इसके फाइनल रिजल्ट पे आएगा, इसके फॉर्मूले पे आएगा। हमने ये फॉर्मूला ई के लिए भी किया था, मैंने आपको ई का भी फॉर्मूला लिखवाया था, तो आज हम वी का भी फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन एक सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है और आपने एक रिंग ली, इस रिंग का रेडियस इज सपोज स्मॉल आर, इसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, दिस इज नॉट कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर। तो ये जो रिंग है, कोई भी आर्बिट्ररी रिंग ली आपने जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है। तो इस रिंग का जो शेडेड पोर्शन है, इस पे चार्ज क्या आएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, एरिया कैसे सिखाया था, सरकमफ्रेंस इंटू उसके रिंग की थिकनेस, हमने किया हुआ है ये। तो ये चार्ज की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इस रिंग, ये जो रिंग है, ठीक बात है क्या ना, बात आओ फटाफट दे आओ। तो ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, रिंग की वजह से इसके एक्सिस पे, क्योंकि ये स्मॉल आर है, ये एक्स है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रिंग की वजह से यहां पर रिंग का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4πε0 डी क्यू, रिंग के ऊपर चार्ज कितने, डी क्यू अपॉन इसका एज इट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने रिंग का फॉर्मूला लगा दिया, पर रिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर वी नहीं माना जाएगा, डीवी माना जाएगा, बिकॉज डिस्क के लिए रिंग इज अ स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन। तो इस केस में मैंने स्मॉल वी लिखा, और अगर मैं ऐसी सभी रिंग्स का पोटेंशियल ऐड कर दूं, यानी कि मैं एक रिंग की पोटेंशियल स्मॉल वैल्यू को इंटीग्रेट करूं, तो मेरे पास टोटल डिस्क का पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, जो आपने करना नहीं है बिल्कुल भी, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन यूज होगी, कुछ नहीं करना आपने, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसका फॉर्मूला नोट करना है। मैथ्स के टीचर आपको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, तो ये प्रॉब्लम आप वैसे भी कर लेंगे, मेडिकल में चाहिए नहीं, तो नॉन मेडिकल के अंदर मेंस तक आपको कुछ नहीं चाहिए, मेंस तक एनसीईआरटी में आएगा नहीं, मेंस के अंदर सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कैसे आप वी का फॉर्मूला डिस्क का यूज करेंगे, जैसे रिंग का भी हमने किया, ऐसे डिस्क का आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगी। तो प्लीज इस फॉर्मूले को नोट कर लेना कि डिस्क के एक्सिस पर वी कैसे आपने निकालना है। तो अगर सेंटर में जाना है, डिस्क के सेंटर पे एक्स को क्या पुट करेंगे, जीरो, तो अगर हम यहां पर जीरो पुट करेंगे तो सेंटर पे वी कैन बी कैलकुलेट। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में एक्स को जीरो पुट कर देना, सेंटर पे वी कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। अब जो मेन पार्ट है और जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं बोलूंगा, वो है शेल्स का। देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शेल्स। आज का पूरा लेक्चर जो मैंने फॉर्मुलेट किया या आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो सिर्फ शेल्स पे ही करेंगे, शेल्स एंड स्फेयर्स। अगर आप अपनी कंपटीशन की अपनी ऑब्जेक्टिव बुक्स को खोल लें, सब्जेक्टिव को खोल लें, भरे पड़े हैं स्फेयर्स एंड शेल्स, दूर दूर से आपको चमकेंगे, हर तीसरा चौथा क्वेश्चन शेल्स के ऊपर दिखेगा आपको। तो आज की शीट करने के बाद, आज के लेक्चर के बाद, शेल्स की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर इसका आने की प्रॉबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है।
एनसीईआरटी के अंदर भी शेल्स आते हैं, ऐसा नहीं कि शेल्स नहीं आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड शेल। पॉइंट नंबर वन, जो शेल है एक ऐसा स्फेयर जो अंदर से खाली है। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसकी सरफेस के ऊपर है। तो कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे, सिग्मा, एरिया वाइज है। तो अगर ये शेल है, कैपिटल आर रेडियस है, क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर से छोटे आर डिस्टेंस पे मुझे वी निकालना है। और हमने गॉस थ्योरम में ई निकालना सीखा हुआ है। तो ई की वैल्यू गॉस थ्योरम ने हमें क्या बताई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ई मुझे पता है, मुझे वी निकालना है। वही मैथमेटिकल तरीका, क्या ई क्या होता है, माइनस डीवी बाय डीआर, वेयर स्मॉल आर इज द वेरिएबल। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म आई। E की वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स देख लो, इंटीग्रेशन की लिमिट्स लेफ्ट साइड पे क्या लगेगी, 0 से V, क्योंकि मेरे को यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो 1 dV की इंटीग्रेशन 0 से V क्या देगी, V। आप मुझे ये बताओ कि यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स V की फॉर्म में लगेंगी और यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स R की फॉर्म में लगेंगी। तो ये बताओ कि जब पोटेंशियल जीरो होता है तो आर की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या मानी जाती है, जीरो। तो लिमिट समझ में आ रही है कि जब भी पोटेंशियल की कैलकुलेशन होती है तो एट आर इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो आर की वैल्यू जब इंफिनिटी है तो पोटेंशियल जीरो, और जब आर की वैल्यू आर है, जैसे इस क्वेश्चन में स्मॉल आर है, तो पोटेंशियल यहां पर कितना है, वी। तो लिमिट्स क्या लगी, 0 से V, इंफिनिटी से R। तो यहां से Q बाहर आ गया, तो 1/r² की को क्या लिख सकते हैं, r^-2। R की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस आर की पावर -1/-1 इंफिनिटी से R। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, R की पावर -1 क्या होता है, 1/r इंफिनिटी से R। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, 1/∞ क्या होता है, 0। तो आंसर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर। तो ई की वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और वी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर। तो याद रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक। तो अगर हम सरफेस ऑफ शेल की बात करते हैं, तो शेल की सरफेस के ऊपर स्मॉल आर को क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर। तो शेल के अगर हम सरफेस के बाहर जाते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो वी का फॉर्मूला ये रहा, सरफेस के ऊपर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। और अगर शेल के इनसाइड आते हैं, अब ध्यान से, शेल के अगर आप अंदर किसी भी पॉइंट पे आते हैं, तो ई की वैल्यू शेल के इनसाइड हमने गॉस थ्योरम में क्या की थी, जीरो, ठीक। गॉस थ्योरम में ई की वैल्यू क्या की थी, जीरो। और ई क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। तो अगर ये जीरो है तो वी इसका मतलब क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। और कितना होगा, वी की वैल्यू जो होगी, जितनी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है उतना ही अंदर पोटेंशियल होगा। तो वी की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसमें क्या होगा, जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है उतना ही अंदर होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस से लेके अंदर की तरफ जहां पर भी आओगे, वी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कॉन्स्टेंट। तो ई ऑटोमेटिकली क्या आता जाएगा, जीरो। और हमें पता है सरफेस से अंदर कहीं पर भी आते हैं वहां पर ई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ई की वैल्यू शेल के अंदर जीरो, और शेल के अंदर वी कांस्टेंट, और कितनी वैल्यू, जितनी सरफेस के ऊपर वी की वैल्यू होगी उतनी ही इनसाइड वी की वैल्यू होगी। तो अगर मैं इस रिजल्ट को एक साथ देखूं तो ऐसा दिखेगा, ये शेल है, शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर, सरफेस के ऊपर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, सरफेस के अंदर कहीं पर भी, जितना सरफेस के ऊपर उतना ही अंदर। तो सरफेस के ऊपर और इनसाइड बात एक ही है। तो ये तीनों फॉर्मूला सबको क्लियर है जो लिखे हुए हैं, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप देखेंगे कि चार्ज क्यू देने की बजाय वो आपको सिग्मा दे देगा, क्योंकि चार्ज को देने के दो तरीके होते हैं, या तो वो इटसेल्फ चार्ज दे दे या शेल की डेंसिटी दे दे, उसकी मर्जी है पूछने वाले कि वो क्या देना चाहता है। तो अगर तो क्यू देता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आंसर आ गया क्यू की फॉर्म में। पर अगर सिग्मा देता है तो सिग्मा का मतलब कि क्यू को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो कैसे लिखेंगे, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके एरिया के ऊपर।
तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो इस चार्ज को यहां अगर पुट कर लें, सॉल्व करें, तो सिग्मा की फॉर्म में ये आपको फॉर्मूला बुक्स में दिखेगा। काफी बुक्स इसको यूज भी करती हैं, मैंने इसको ऐसे याद नहीं किया हुआ, ये याद किया सिग्मा चाहिए होगा, मैं एरिया पुट करके वैसे ही सिग्मा की फॉर्म में आंसर को कैलकुलेट कर सकता हूं। वैसे बाय प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा, ये आप जब 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे तो सिग्मा की फॉर्म में ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। बट क्लियर है यहां तक? सिमिलरली स्मॉल आर को अगर सरफेस के ऊपर की बात करते हैं तो अगेन क्यू की जगह सिग्मा इंटू एरिया, तो अगेन सेम फॉर्मूला। वैसे यहां से भी कर सकते हैं, स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको सिग्मा की फॉर्म में अगर कोई पॉइंट शेल के बाहर है तो वी पता लग गया, शेल के सरफेस के ऊपर है तो वी पता लग गया, और अगर इनसाइड है तो देखो सरफेस के ऊपर और सरफेस के इनसाइड रिजल्ट विल बी सेम, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूलास क्लियर हैं, ठीक है? यहां तक आज का पूरा लेक्चर इन फॉर्मूलास पे काम करेगा, बड़े ध्यान से इन फॉर्मूलास को देख लें, स्पेशली ये जो फॉर्मूलास हैं, क्लियर हैं? नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबके अंदर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शेल के इनसाइड v की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r, v की वैल्यू कांस्टेंट कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कैपिटल r। और जब हम बाहर निकलते हैं, शेल के बाहर आ जाएंगे, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, स्मॉल r। तो ग्राफ क्लियर है, प्लॉट करने को आता है ये, और एनसीईआरटी में ड्रॉ करने को आता है, v का ग्राफ और e का ग्राफ आ सकता है, और कॉम्पिटिशन के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन है, जब उन्हें आसान क्वेश्चन डालना होता है तो ये क्वेश्चन बहुत डाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये शेल नहीं है, अब ये एक सॉलिड स्फीयर है, और पोटेंशियल मुझे निकालना है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? ये नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग के अंदर तो चार्ज स्टे नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन कंडक्ट। अब लिख सकते हो बुकलेट के ऊपर, दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये नॉन कंडक्टिंग के लिए आएगा, राइट? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। तो देखो, तो ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज है, तो डेंसिटी कौन सी यूज करेंगे, सिग्मा की रो, रो। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम या इनसाइड इट्स वॉल्यूम। तो क्वेश्चन क्या है, इस सॉलिड स्फीयर के छोटे आर डिस्टेंस दूर हमने वी, हमें आता है गॉस थ्योरम ने किया हमने, तो यहां पर अगर ई हमें पता है तो वी क्या होगा, अरे सेम होगा, शेल के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए ई सेम था, तो वी की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है। तो शेल के लिए यही ई था तो वी आया था, तो सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट भी एग्जैक्टली सेम है, तो अगर ये ई है तो वी भी सेम है। तो सरफेस के ऊपर भी सेम स्टोरी, सरफेस के ऊपर भी सॉलिड स्फीयर और शेल का आंसर सेम है, ई में सेम है तो वी में भी सेम है। तो दो फॉर्मूला और हो गए। तीसरा, पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो मुझे क्या करना है, एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के इनसाइड कोई पॉइंट लेना है, जैसे कि ये डी पॉइंट है, और मुझे यहां पर क्या निकालना है, वी निकालना है, राइट? अब यहां पर वी कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पर वी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, रीजन क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर ई जीरो नहीं होता था। अगर गॉस थ्योरम याद है, सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने ई निकाला था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए यहां पर जो सॉलिड स्फीयर है उसमें जो ई है, सॉलिड स्फीयर में ई की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, याद है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर रिजल्ट किया था, तो वी भी चेंज होगा। अब वी निकालने का क्या तरीका होगा ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस पे लिख सकते हो नॉट फॉर एनसीईआरटी, या एनसीईआरटी के लिए नहीं पढ़ के जाना आपने, और मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी एंड रिजल्ट ही काम आएगा। लेकिन अगर कल को हो सकता है मेंस वाले, या मेंस वालों में तो मैं देखा नहीं है वैसे, पर एडवांस में मैंने देखा है, वो कुछ ऐसा एक हल्का सा माइनर चेंज कर सकते हैं कि आपको ये जो रिजल्ट है
इसकी डेरिवेशन आपको समझ में आनी चाहिए उसने क्या की। वैसे मेंस तक रिक्वायरमेंट नहीं है, नीट तक भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नीट में तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ की, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी मैं दो स्टेप में बताना चाहता हूं इसमें इसे किया क्या है। मान लो सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और आपको स्मॉल आर डिस्टेंस दूर क्या निकालना है, वी निकालना है। आपको पता है कि सरफेस के ऊपर वी क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट सरफेस पे ले लिया बी और दूसरा पॉइंट ले लिया डी। डी वो पॉइंट है जहां पर मुझे वी निकालना है, तो डी वो पॉइंट है जहां पर मुझे वी निकालना है और इसकी दूरी सेंटर से कितनी है, छोटा आर, राइट। तो अब ध्यान से देखना, अगर आप सॉलिड स्फीयर के अंदर मान लो डी पॉइंट है, डी पॉइंट से सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका, स्मॉल आर, तो यहां पर ई की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर ई क्या होता है, रो इंटू आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट किया हमने, मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पर, ई की वैल्यू ये देखो पुट कर दी। अब लिमिट्स लगाने की बारी आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। कोई कहेगा कि लिमिट वही लगा दो ना, जीरो से वी, इंफिनिटी से आर, क्योंकि आपको पोटेंशियल निकालना है। अब यहां पर मैंने क्या किया, वो लिमिट्स लगाई नहीं, सारी गेम ही लिमिट की है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर दो पॉइंट्स लिए, कौन कौन से पॉइंट्स लिए, एक बी और एक डी, एक बी और एक डी। तो एक बात बताओ कि अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को बी से डी पे लेके आता हूं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैं इंफिनिटी से लेके आता हूं तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल। चलो मैं बी से डी पे लेके आता हूं, कोई फर्क नहीं है, तो B से अगर D पे लेके आता हूं तो टर्म को क्या बोलेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने लिमिट पोटेंशियल डिफरेंस की लगा दी, मैंने कहा कि मैं अपने चार्ज को B से D पे लेके आ रहा हूं, तो B से सेंटर की दूरी कितनी है, कैपिटल R, और D पे कितनी है, छोटा R, तो लिमिट क्या है, कैपिटल R से स्मॉल R। तो कैपिटल R पे पोटेंशियल कितना है, VB, और स्मॉल R पे पोटेंशियल कितना है, VD। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पोटेंशियल नहीं आएगा, इंटीग्रेट करके 1 dV की इंटीग्रेशन V, और जब लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। कोई बात नहीं, बताऊंगा ऐसा क्यों किया। तो ये स्टेप क्लियर है, और यहां से ये कांस्टेंट बाहर आ गए, R की इंटीग्रेशन क्या है, R² / 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये टर्म आ गई। और रो की जो वैल्यू है, रो का मतलब है चार्ज Q, और पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R³। तो पुट किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, इस VB को राइट पे ले गया तो ये टर्म आ गई, और VB का मतलब यहां पे VB की वैल्यू सरफेस के ऊपर तो पता ही थी, तो इस VB को उठा के यहां पुट कर दिया, ये देखो ये रहा। इसे सॉल्व किया, आपने नहीं करना, सिर्फ दिखाने के लिए, घर जाके कैलकुलेशन चेक कर लेना, रिक्वायर्ड नहीं है वैसे आपको प्रूफ। तो जब सॉल्व करोगे तो यह आंसर आएगा, आपने डेरिवेशन नहीं करनी, आपको रिजल्ट नोट करना है। मेंस में इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आया हुआ है सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट है, डाल देते हैं। तो किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड सेंटर से छोटे आर डिस्टेंस दूर वी का ये फॉर्मूला याद रखना है। ई तो बहुत छोटा आता है, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, वी इसके इक्वल है। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन नीट में तो नहीं आता, मेंस या एडवांस वाले क्या कर सकते हैं, एडवांस वाले करते हैं, मेंस वाले भी नहीं करते, मेंस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहेंगे मान लो मेरे पास एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है रो R² / 3 εr0। अब आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट फेल है, आपको फिर से क्या करनी पड़ेगी, नई इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, नया रिजल्ट आएगा, वो कहेगा पोटेंशियल कितना है, वो पीछे से वो चेंज करता जाएगा ई, नीचे से वी चेंज होता जाएगा। तो जिसने ये रिजल्ट किया हुआ है वो तो कर लेगा, अब जिसने सिर्फ फॉर्मूला किया हुआ है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने मेंस के पेपर जितने भी देखे आज तक, उसमें फॉर्मूले के ऊपर रिजल्ट आया, इसकी डेरिवेशन पे रिजल्ट आया नहीं वैसे आज तक। मैंने एडवांस की प्रॉब्लम देखी जिसमें वो ई को और कभी कभी तो इस डेंसिटी को भी चेंज कर देता है, डेंसिटी को लिखेगा 2R, तो 2R × R 2R², तो देखो ना ई चेंज हो गया। तो ऐसे वो चेंज करके टॉपिक को, अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं।
बट नॉर्मल पेपर में ऐसा नहीं है, नॉर्मल पेपर में आप ये फॉर्मूला की लिस्ट लिखेंगे, फॉर्मूले के रजिस्टर के अंदर इस फॉर्मूले को नोट करेंगे, ठीक। तो वो जहां भी पूछेगा कि आपको v निकालना है तो v की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो फॉर्मूला क्लियर है सबको। फिर एक और रिजल्ट आएगा कि अगर आपको इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे v निकालना है तो बोलो छोटे r को क्या पुट करें, जीरो। तो ये d पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पे। तो देखो, तो इस रिजल्ट में अगर मैं छोटे r को जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास 3/2 बच जाएगा बस, तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। एक और फॉर्मूला नोट करें, किसी भी सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर के सेंटर के ऊपर v का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 टाइम्स जितना पोटेंशियल उसकी सरफेस पे होता है। सरफेस पे क्या पोटेंशियल है, 1/4 πε0 q/R। तो सेंटर पे क्या होता है उसका, 3/2 टाइम्स। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, शॉर्टकट क्लियर है। और सेम रिजल्ट ग्रेविटेशन के अंदर भी यूज होता है। तो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव ग्रेविटेशन में कि अगर अर्थ का पोटेंशियल सरफेस पे -10 वोल्ट है तो बोलो सेंटर पे कितना है, -10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से, क्योंकि अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर। तो रिजल्ट सेम उसमें भी अप्लाई होता है। तो पॉइंट समझ में आया, 3/2 टर्म कहां से आ रही है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव बुक्स आपको दिखेंगी 3/2 यूज करती हुई, तो जिन्होंने ये रिजल्ट नहीं किया हुआ वो फॉर्मूला जरूर याद कर लेंगे, लेकिन समझ नहीं आया कि आया कहां से, पर आपको क्लियर है यहां तक। फिर ग्राफ प्लॉट करने को आया हुआ है, मेंस में आ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं आएगा इसका ग्राफ। तो ग्राफ में क्या मेंशनड है, सॉलिड स्फीयर वी वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करो। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड वी का ये फॉर्मूला, इस ग्राफ की, इस फॉर्मूले की प्लॉटिंग तो मेरे को आती नहीं है, तो मैंने भी याद कर ली कि अगर कोई भी पॉइंट सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है तो वी ऐसे चेंज होगा। हाँ, अगर आउटसाइड गया पॉइंट तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, तो बाहर तो मैं बना सकता हूं। तो ओवरऑल आपको ये प्लॉटिंग ऐसी याद करनी पड़ेगी कि वी की वैल्यू कैसे सॉलिड स्फीयर की चेंज हो रही है, क्लियर है वेरिएशन। तो अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा, सब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं, ग्राफ प्लॉट करने को आ गया अगर वी का, तो मेरे ख्याल से ग्राफ सबको याद रहेगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, बोलो। क्वेश्चन है कि जो पिछला हमने ये टॉपिक किया था, ये वाला, मैंने ये डी और बी का पॉइंट क्यों लिया, इन्फिनिटी से आर क्यों नहीं लिया। मैं सीधा भी तो कर सकता था, इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आया और डी पॉइंट पे रख दिया, तो लिमिट इन्फिनिटी से आर। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि सीधा क्यों नहीं किया इन्फिनिटी से आर, बी से डी क्यों किया, क्या वी ई डिफरेंट है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर ई कुछ और है, सॉलिड स्फीयर के बाहर ई कुछ और है। तो दो फंक्शंस हैं, एक लिमिट नहीं लग सकती, तो ऐसे लगेगी इंफिनिटी से बी तक, बी से डी तक। इंफिनिटी से बी तक की लिमिट लगा के आंसर तो याद है हमें, वही तो पोटेंशियल होता है, और यहां से यहां मैंने लगा लिया, तो दो स्टेज में काम किया, इंफिनिटी से बी तक ये आंसर, आगे का आंसर मैंने आगे से मर्ज कर दिया, ऐसा किया, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट रिजल्ट, पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। आपको याद होगा हमने फ्लक्स किया था और पहली डेरिवेशन थी लाइन चार्ज, लाइन चार्ज वो सिलेंडर बना के हम ई निकालते थे। तो ई का फॉर्मूला लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का क्या आता था, लैम्डा अपॉन 2π ε0 r, याद है मुझे। अब यहां पर क्या निकालना है, वी, तो क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू -dv/dr। तो लिमिट लगाई यहां पे, तो सॉरी यहां पर इसको फॉर्मूला लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई की वैल्यू को पुट किया, इसे इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर, 1/r की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ आर, नेचुरल लॉग ऑफ आर। तो नेचुरल लॉग ऑफ आर की फॉर्म में रिजल्ट आएगा वी का। वैसे कम यूज होता है, पर कई बार यूज भी हो सकता है, लाइन चार्ज देगा, दो पॉइंट दे देगा, वहां पर v1 v2 आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। पर वी निकालना आ गया सबको, ये फॉर्मूला प्लीज इसमें आपने याद रखना है। क्लियर है यहां तक। तो पोटेंशियल अब हमारे लाइन चार्ज का हो गया, शेल का हो गया, सॉलिड स्फीयर का हो गया, रिंग का हो गया, डिस्क का हो गया, तो पोटेंशियल के सारे टॉपिक्स हमारे खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनको यूज करके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक।
तो सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट कंपाइल कर दिया, तो सॉलिड स्फीयर के स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ये वी का फॉर्मूला, सरफेस के ऊपर वी का फॉर्मूला, इनसाइड वी का फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वो रो की फॉर्म में पूछ सकता है, क्यू नहीं देगा रो देगा, तो ऐसा करना, रो क्या होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज क्या होगा रो इंटू वॉल्यूम, और कितने वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जितना स्फीयर का वॉल्यूम है, 4/3 πR³। तो आप इस क्यू को यहां पुट करके ये आंसर निकालोगे, तो ये भी कई बुक सीधा यूज करती हैं वी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रो। आप नहीं याद कर सकते, आप ये तो कर सकते हो और एंड में क्यू को रो इंटू वॉल्यूम पुट करके आंसर। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली इसके अंदर भी सेम, वैसे तो यहां से यहां जाना आसान है, स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो आंसर, उसमें नहीं कर सकते, उसके अंदर तो रो यूज ही नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर बेसिकली क्या है इनसाइड जा रहे हैं, तो रो चेंज हो सकते हैं। पर पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट जो शीट है, शीट नंबर 26, शेल प्रॉब्लम्स। शेल प्रॉब्लम्स अगर आप घर जाओ और आप कहोगे सर शीट समझ में नहीं आई, मैं किताब से पढ़ूंगा, और बुक्स से जाके शेल्स की प्रॉब्लम डिस्कस या उसको स्टडी करने की कोशिश करूंगा, तो आपको ऐसी कोई ऐसा ना तो कोई चैप्टर मिलेगा किताब में, ना ही ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा शेल प्रॉब्लम्स के नाम से। ये शीट मैंने अपने एक्सपीरियंस से बना रखी है, जितने लोगों ने मेरे से डाउट पूछे आज तक शेल्स को लेके, आपके जितनी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं आपके मेंस के, आपके नीट के, आपके सीबीएसई के, जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए शेल्स में, और जितने लोगों ने डाउट्स पूछे, मैंने उन डाउट्स को लेके सारी बुक्स इकट्ठी रख के पूरे शेल्स की इकट्ठी प्रॉब्लम एक शीट पे लिख दी। तो आज के बाद ये प्रॉब्लम करने के बाद कंसेंट्रिक शेल्स के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 95% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसी शीट में से निकलेगा, राइट? और बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी आप इधर उधर नहीं देख सकते, नहीं तो आपसे गड़बड़ हो जाएगी और ये पूरा लेक्चर आपका खराब हो जाएगा। ठीक, थोड़ा फोकस करके देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो शेल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। शेल प्रॉब्लम में हम जो फिगर लेंगे वो एक मेटल का या कंडक्टिंग शेल लेंगे। तो आज के टॉपिक में या शेल्स के अंदर मैं कौन कौन से फॉर्मूला यूज करूंगा कि अगर ये शेल है, क्यू चार्ज है, शेल के इनसाइड ई की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। शेल के इनसाइड वी क्या रहेगा? जितना सरफेस पे है। सरफेस पे कितना है? 1/4 πε₀Q/R। तो इनसाइड भी एग्जैक्टली सेम है, भूलना नहीं है, जितना सरफेस पे उतना इनसाइड है। नेक्स्ट है, तो सरफेस पे ई क्या रहेगा? 1/4 πε₀Q/R² और वी क्या रहेगा? Q/R। और अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है छोटे r डिस्टेंस दूर, तो e क्या रहेगा? Q/r² v क्या रहेगा? Q/r। तो क्या ये फॉर्मूला 6/6 क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बस आज का लेक्चर इसी के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको एक की जगह वो दो शेल्स देगा, दो कंसेंट्रिक शेल्स देगा, कंडक्टिंग शेल्स हैं, दो कंडक्टिंग शेल्स हैं, ठीक। देखो, तो इसमें दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, कंडक्टिंग शेल्स हैं, और मैंने चार्ज जो मैंने दिया वो Q1 दिया। किसको दिया? इनर शेल को दिया, आउटर को मैंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो कंडक्टिंग शेल है। तो क्या हो गई इसके ऊपर? इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या हुआ? Q1 की वजह से इनर शेल, जो आउटर शेल के इनर सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप हो गया? -Q1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इसने, और बाय इंडक्शन आउटर के ऊपर क्या हो गया? +Q1। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन, ये Q1 है तो इनर -Q1 रेड पेन से मैंने दी है, पेंसिल वाला इसमें इंडक्शन है, पूरी शीट में यहां पर जो पेंसिल बनेगी ग्रे कलर की वो इंडक्शन है।
तो रेड वाला जो चार्ज Q1 मैंने दिया और बाय इंडक्शन माइनस Q1 और ये प्लस Q1। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन नंबर वन जो आएगा आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में, आज मैं होमवर्क दे के भेजूंगा आपको, आपने उन मतलब आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, होमवर्क तो अपने घर अप्लाई अपने अपने उस पर होमवर्क पे करके देखना है सारा। क्वेश्चन नंबर वन आएगा कि जो आउटर शेल देख रहे हो इसकी दो सरफेस है, एक इनर सरफेस है और एक आउटर सरफेस है। तो इनर सरफेस और ये थिन शेल्स हैं, प्लीज थिक शेल नहीं है, थिन का मतलब इनकी थिकनेस नहीं लेनी। तो यानी कि इनर रेडियस भी इसका बी है तो आउटर रेडियस भी इसका बी ही है आउटर शेल का। तो क्वेश्चन आएगा कि अंदर की सरफेस देख रहे हो जहां चार्ज कितने माइनस Q1, इसका सिग्मा बताओ क्या होगा। और सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो अंदर की सरफेस पे कितना चार्ज है? माइनस Q1। और अंदर की सरफेस का टोटल एरिया कितना है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4π b² क्योंकि आउटर सरफेस का रेडियस b है तो एरिया क्या बनेगा? 4π b². क्या ये पॉइंट क्लियर है? और अगर वो ये पूछते हैं कि मेरे को सिग्मा बाहर की सरफेस का निकाल के दो, तो बाहर की सरफेस का चार्ज कितना है? Q1। और एरिया इसका भी कितना है? 4π b² आंसर। तो क्या ये पहला क्वेश्चन क्लियर है? आसान है, कुछ नहीं है। तो आपने इंडक्शन लगानी है, वो आपसे जिस भी सरफेस का सिग्मा पूछेगा उस पर देख लो क्या चार्ज है और उसको उस चार्ज के जहां पर वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एरिया से उसे क्या कर देना है? डिवाइड आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से कंसेंट्रिक शेल्स हैं और इस बार ये नहीं देखें, ये कंफ्यूज करेगा आपको। ये कंसेंट्रिक दो शेल्स हैं, फिर से मैंने चार्ज तो दिया दोनों शेल्स को दिया, इस बार ब्लू कलर का ये देख रहे हो, ये Q1 और ये Q2, ये मैंने दिया इसे, ये मैंने दिया, पर इसमें अपनी तरफ से भी क्या होगी? इंडक्शन। अब इंडक्शन बाहर से अंदर तो आती नहीं, अंदर से बाहर ही जाती है, तो क्या होगा? अगर ये Q1 है तो इनसाइड क्या होगा? माइनस Q1, और आउटसाइड क्या होगा? प्लस Q1। तो आउटर शेल पे चार्ज टोटल कितना हो गया? Q1 प्लस Q2। अंदर की तरफ क्या हो गया? माइनस Q1, और इसके ऊपर क्या हो गया? Q1। क्या ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इंडक्शन की वजह से चार्जेस आगे, क्लियर है? अब क्वेश्चन वो ये पूछेगा, क्या पूछेगा उसकी मर्जी, पर मैंने ये पूछा कि मैंने आपको तीन पॉइंट्स दिए। पॉइंट नंबर वन, ये वन नंबर पे कोई चार्ज चूर्ज कुछ नहीं है, ये पॉइंट है, तो आप इमेजिन करो ये कुछ नहीं है, यहां पर एक पॉइंट ले लेना, ये पॉइंट नंबर वन। एक पॉइंट मैंने यहां दे दिया, पॉइंट नंबर टू। एक पॉइंट यहां दे दिया, पॉइंट नंबर थ्री। तीन लोकेशन दे दी मैंने आपको और मैंने सिंपली ये पूछा कि दोनों शेल्स पॉइंट नंबर वन पे, पॉइंट नंबर टू पे एंड थ्री पे ई क्या लगाएंगे और वी क्या लगाएंगे। ठीक, शुरू करते हैं। तो हम पहले पॉइंट नंबर वन से शुरू करते हैं, राइट? जब आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपने एक एक करके सॉल्व करना है, पहले शेल नंबर वन का रिजल्ट लगाना है। जब आप शेल नंबर वन का रिजल्ट लगाएंगे तो भूल जाने कि शेल नंबर टू प्रेजेंट है, फिर आपने शेल नंबर टू का रिजल्ट लगाना है। जब टू का रिजल्ट लगाने तो भूल जाने कि शेल नंबर वन पड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट नंबर वन लिया। पॉइंट नंबर वन पे फर्स्ट शेल से पूछा कि अगर कोई पॉइंट यहां पे है, फर्स्ट शेल के इनसाइड है, तो मैंने ये शेल से पूछा कि तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा इस वन नंबर पॉइंट पे, तू कितना ई लगाएगा। तो शेल नंबर वन बोलता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड लाइ करता है, तो अगर कोई पॉइंट किसी भी शेल के इनसाइड लाइ करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन शेल का क्या होता है? ई में जीरो। तो शेल नंबर वन क्या कहता है कि मैं ई क्या लगाऊंगा? जीरो, जीरो। अब बारी है शेल नंबर टू की। शेल नंबर टू की जब बारी है तो शेल नंबर वन को भूल जाना है। अब शेल नंबर टू से पूछा कि तू कितना ई कंट्रीब्यूट करेगा, तो शेल नंबर टू कहता है क्योंकि ये वन नंबर पॉइंट मेरे भी इनसाइड ही लाइ करता है तो मेरा कंट्रीब्यूशन भी समझो क्या हुआ? जीरो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो दोनों शेल्स का कंट्रीब्यूशन पॉइंट नंबर वन पे क्या रहेगा? जीरो। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। फिर चेंज करते हैं पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। शेल नंबर वन के इनसाइड है, शेल नंबर टू के भी इनसाइड है, ओके। पॉइंट चेंज करते हैं, पॉइंट कहां लिया? ये पॉइंट लिया। कितनी दूरी पे लिया? एक्स दूरी पे लिया। सारे डिस्टेंसेस शेल के कहां से लिए जाते हैं? फ्रॉम सेंटर। अब शेल नंबर वन से पूछा कि तू यहां पे ई क्या लगाएगा पॉइंट नंबर टू पे जो एक्स दूरी पे। अब शेल नंबर वन ये बोलता है क्योंकि ये पॉइंट नंबर टू मेरी सरफेस से बाहर लाई करता है,
बाहर लाई करता है, और कितना बाहर लाई करता है, एक्स, एक्स बाहर लाई करता है। तो मैं ई लगाऊंगा, कितना ई लगाऊंगा, मेरा चार्ज है क्यू वन, और कितनी दूरी पे मुझे ई निकालना है, एक्स। तो आंसर क्या होगा, 1/4πε0Q1/x2। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो शेल नंबर वन ने क्या कंट्रीब्यूट किया, अपना जो भी उसका चार्ज है क्यू वन और उसकी दूरी कितनी है एक्स, तो क्यू वन बाय एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? अब शेल नंबर टू की बारी। जो शेल नंबर टू है उससे पूछा गया भाई तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा यहां पे? तो शेल नंबर टू कहता है देखो ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, तो जो भी पॉइंट मेरे अंदर लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा, तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जीरो। तो पॉइंट क्लियर है? तो पॉइंट नंबर टू क्योंकि शेल नंबर वन के बाहर लाई करता है, तो शेल नंबर वन तो कंट्रीब्यूट करेगा ई में, लेकिन शेल नंबर टू नहीं करेगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? ठीक है, कहीं कंफ्यूजन हो पूछ लेना प्लीज। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर बोलो। सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो एक बार। ठीक है, देखो मैंने ये बताया कि ये पॉइंट, ये पॉइंट है, पहले ना ये काम करने से पहले ये जरूर देख लेना, अगर आप ये ध्यान से नहीं देख रहे तो वो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर शेल के बाहर लाई करता है तो ई और वी के फॉर्मूले ध्यान से, तो वी ई का फॉर्मूला क्या लगेगा, क्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस स्मॉल आर का स्क्वायर, और वी का फॉर्मूला क्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस स्मॉल आर। अब देखो इसके अंदर जो पॉइंट नंबर टू है, जो पॉइंट नंबर टू है, अगर आप शेल नंबर वन की बात करते हो तो शेल नंबर वन के बाहर लाई करता है, कितना एक्स। शेल नंबर वन पे चार्ज कितना है क्यू वन, तो वो तो ई लगाएगा ना, क्योंकि पॉइंट तो बाहर आ गया, तो कितना ई लगाएगा, 1/4πε0Q1/x2। क्लियर है? अब क्लियर है ये ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, और शेल नंबर टू क्या कहता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन में जीरो, तो ई का हिसाब क्लियर हो गया। चलो पॉइंट शिफ्ट करते हैं, पॉइंट शिफ्ट करते हैं फिर से। पॉइंट क्या लेते हैं, पॉइंट लेते हैं पॉइंट नंबर थ्री। जो पॉइंट नंबर थ्री है वो दोनों शेल के सेंटर से कितनी दूरी पे है, वाई। अब शेल नंबर वन क्या कहता है, शेल नंबर वन कहता है देखो ये पॉइंट जो है वो मेरे से बाहर है, तो मेरा खुद का चार्ज कितना है क्यू वन, और ये डिस्टेंस कितना है वाई, तो मैं तो ई लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा, 1/4πε0Q1/y2। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अब शेल नंबर टू की अगर आप बात करते हो, शेल नंबर टू कहता है देखो मेरे पास दो दो चार्जेस हैं, मेरे अंदर भी चार्ज है, मेरे बाहर भी चार्ज है, तो मैं दोनों से ई लगवाऊंगा। तो शेल नंबर टू कहता है कि देखो ये पॉइंट मेरे शेल से बाहर है, तो माइनस क्यू वन, और ये डिस्टेंस कितना है वाई, तो माइनस क्यू वन वाई डिस्टेंस पे ई क्या लगाएगा, 1/4πε0Q1/y2। और ऐसी Q1 प्लस Q2 क्या लगाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय अगेन y स्क्वायर। तो E की वैल्यू क्लियर है यहां तक? तो शेल नंबर 1 ने कितनी लगाई, शेल नंबर 1 का चार्ज अपॉन y स्क्वायर, शेल नंबर 2 ने क्या लगाई, शेल नंबर 2 का चार्ज बाय y स्क्वायर, और मैंने इन्हें ऐड कर दिया। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? कर सकते हैं, शॉर्टकट लगाना चाहते हो, मैंने किया ओपन करके कैंसिल कर दिया। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, शॉर्टकट बाद में बनाएंगे, भी दो मिनट में। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन ये नहीं बनता, क्वेश्चन पता है क्या बनता है, पूछो, पूछ लो, एक चांस दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बनता है पूछना, वो अगला स्टेप है। जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो पॉइंट ठीक है आपका जो आप कह रहे हो, एक क्वेश्चन बनता है। मैंने अपना रूल वॉयलेट किया जब से मैं पढ़ा रहा हूं, पिछले जब से बैच स्टार्ट हुआ है, एक रूल वॉयलेट किया मैंने आज। हाँ, मैंने आपको जितने ई के क्वेश्चन कराए उसमें मैंने चार्ज कभी माइनस में लिया ही नहीं, और पहली बार मैंने ई के अंदर माइनस चार्ज लिया, नहीं तो मैंने क्या सिखाया, ओनली टेक मैग्नीट्यूड, वेक्टर वेक्टर कर लेंगे, ऐसे करते थे ना। आज मैंने वेक्टर नहीं यूज किया, वेक्टर लिया ही नहीं मैंने, तो अदरवाइज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
पहले यहां प्लस वन रखो जहां ई निकालना है, फिर कहो देखो ये प्लस वन इसे क्या करेगा, रिपेल, तो इसका ई इधर जाएगा, नेगेटिव वाले का ई इधर आएगा, पॉजिटिव वाले का इधर जाएगा, तो दो टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़ी में से छोटी माइनस, ऐसा कुछ आएगा। तो इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, क्योंकि मैंने वेक्टर यूज नहीं किया इसमें, तो फिर मैंने यहां पर ई के अंदर ही साइन यूज कर लिया, ये आसान है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो शेल वाली प्रॉब्लम में वेक्टर नहीं ड्रॉ करें, शेल वाली प्रॉब्लम में आप ऐसे ही यूज करें, इजी हो जाएगा। तो इसके अंदर जब आप इसे ओपन करेंगे Q1 by y square, Q2 by y square, तो ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसल, आंसर। अब ये इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली बात, क्या कि Q1 और Q1 वाले जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे ये क्यों थे, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन का अफेक्ट आप नोट कर रहे हैं ई के अंदर कैंसल हो रहा है, ई के अंदर इंडक्शन के चार्जेस का अफेक्ट इसमें नहीं आ रहा, राइट right? तो जैसे इसने कहा चार्जेस को ऐड कर दें क्या फर्क पड़ता है, Q1 माइनस Q1 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आप यहां ऐड कर दें या आप यहां सबट्रैक्ट कर दें, बात तो एक ही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप शेल की प्रॉब्लम में ई कैलकुलेट करते हैं कहीं पर भी तो इंडक्शन होती है, ऐसा नहीं कि इंडक्शन होती नहीं, पर इंडक्शन के जो ई और वी के अंदर अफेक्ट्स हैं मैं इसके अंदर और करके दिखाऊंगा, वो हर बार आपस में क्या करते जाएंगे, कैंसिल, जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं उनकी वजह से जो ई है और जो वी है वो कैंसिल करेगा। रीजन, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तो जितना ई पॉजिटिव लगाएगा उतना ई नेगेटिव लगाएगा, आपस में दोनों चीजें कैंसिल ही हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक? तो कोई कहता है सर इंडक्शन ना लगाएं, जब कैंसिल ही करना तो ना लगाएं, हाँ तो मत लगाओ, ये हम शॉर्टकट बनाएंगे। पर कोई कहता है सर इंडक्शन होती नहीं, नहीं नहीं इंडक्शन तो होती है, क्या इंडक्शन लगा नहीं सकते, इंडक्शन लगा सकते हैं, लगाओ, इंडक्शन तो होती है, बट आपका न्यूमेरिकल लंबा हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि पता ही है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इंडक्शन के अफेक्ट कैंसिल होते हैं, तो हम शॉर्टकट बना लेते हैं कि इन टाइप की प्रॉब्लम्स में, सिर्फ इन टाइप की प्रॉब्लम्स में इंडक्शन लेने का कोई फायदा होता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडक्शन सरने का लगती नहीं है, फर्क है दोनों स्टेटमेंट में, लगती है। और अगर आपको इतनी कंफ्यूजन है कि लगाएं कि ना लगाएं, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, लगा ही लें, इससे बेटर कम से कम क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा। ठीक, ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। हमने पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, इन तीनों पे क्या लगाई, इंडक्शन लगाई, जो ई निकाला। अब हम क्या निकाल लेंगे, वी निकालते हैं। देखो ई निकालना मुश्किल नहीं है, वी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कैसे, चलो फिर से पॉइंट नंबर वन पे आ जाओ, ये मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पॉइंट नंबर वन पे आ जाते हैं। चलो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन पे इस बार मैं क्या निकालना चाहता हूं, V। अब शेल नंबर वन से पूछो क्या तू V कंट्रीब्यूट करेगा, तो शेल नंबर वन क्या कहता है, हां मैं करूंगा। कितना करेगा, क्यों, शेल नंबर वन कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, तो मेरा V क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जितना मेरे सरफेस के ऊपर V होगा उतना ही V मैं यहां कंट्रीब्यूट कर दूंगा। तो सरफेस के ऊपर V क्या होगा, इसका खुद का चार्ज Q1 और रेडियस क्या है इसका, A। तो सरफेस पे क्या बनेगा V, 1/4πε0Q1A। तो आगे चलने से पहले फॉर्मूला नोट कर लो, सरफेस के ऊपर V क्या होता है, इसका चार्ज और इसका रेडियस। अगर रेडियस क्या हुआ, A, तो यहां पर क्या आएगा, A। क्लियर है? ठीक, तो देखो, तो इसके अंदर अगर मैं पॉइंट नंबर वन की बात करता हूं, तो पॉइंट नंबर वन पे फर्स्ट शेल क्या करेगा, जितना वो कहता है सरफेस के ऊपर वी है, अब इसकी सरफेस का रेडियस क्या है, ए, और चार्ज क्या है, Q1, तो सरफेस के ऊपर ये वी कंट्रीब्यूट हो गया। अब यही क्वेश्चन शेल नंबर टू से पूछा जाता है, भाई टू नंबर शेल तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो शेल नंबर टू क्या कहता है कि क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर भी लाई करता है, तो जितना मेरे सरफेस के ऊपर वी है उतना ही अंदर वी है, तो सरफेस का रेडियस कितना है इसका, बी,
तो v का कंट्रीब्यूशन ये तीनों ऊपर और अंदर का चार्ज दोनों लगाएंगे, तो माइनस q1 क्या लगाएगा, माइनस q1 बाय b, और बाहर के चार्जेस क्या लगाएंगे, q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय p। इंपॉर्टेंट है इसमें चार्ज नहीं, वो तो सारी दुनिया को पता है कि ये भी पोटेंशियल लगाएगा और ये भी लगाएंगे, इंपॉर्टेंट इसमें रेडियस है, डिस्टेंस है, क्योंकि आप कहां पर v निकाल रहे हो, इनसाइड, तो जितना सरफेस के ऊपर v होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन अंदर भी होगा, और सरफेस के ऊपर क्या होगा, माइनस q1 बाय b और q1 प्लस q2 बाय b, ये रहा। पर कमाल की बात ये है, जब आप इसे ओपन करते हैं तो q1 और माइनस q1 का इफेक्ट फिर से क्या हो जाता है, कैंसिल, इसका मतलब इंडक्शन की जो चार्जेस हैं q1 एंड माइनस q1, उनका इफेक्ट कैंसिल, तो इसका मतलब इंडक्शन लेने का मुझे फायदा हुआ ही नहीं, उल्टा और कंफ्यूज हो गए हम। तो इंडक्शन ना लेते तो भी आंसर क्या आता, एग्जैक्टली सेम आता, क्योंकि इंडक्शन के इफेक्ट ई और वी दोनों में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर मैं पॉइंट नंबर टू की बात करता हूं, चलो टू, अब पॉइंट नंबर टू कितनी दूरी पे है, एक्स, राइट, तो यहां पर वी निकालें, शेल नंबर वन से पूछो क्या तू वी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो शेल नंबर वन कहता बिल्कुल करूंगा, ये पॉइंट मेरे शेल से बाहर लाए करता है कितना, एक्स, और मेरा खुद का चार्ज कितना है, Q1, तो V का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 by 4 pi epsilon not Q1 divided by X, कोई डाउट इसमें, तो V लग गया। अब शेल नंबर 2 से पूछा गया अभी तू कंट्रीब्यूट करेगा, वो कहता देखो ऐसा है कि ये जो पॉइंट है मेरे अंदर लाई करता है, तो जितना मेरे सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर लगा लेना। अब सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा, माइनस Q1 by B, माइनस Q1 by B एंड Q1 plus Q2 by again B। तो जब कोई पॉइंट अंदर लाई करता है तो रेडियस लिया करते हैं शेल का, क्योंकि जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही इनसाइड पोटेंशियल है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, इसका डाउट है, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो इस केस में बोलो सर, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो लास्ट पॉइंट। देखो मैंने कहा कि एक्स डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। शेल नंबर वन के लिए ये पॉइंट बाहर है, शेल से बाहर निकल गया, कितना बाहर निकल गया, x, तो शेल नंबर वन के लिए q1 को किससे डिवाइड करेंगे, x से। शेल नंबर टू के लिए ये पॉइंट अभी भी अंदर ही है, तो शेल नंबर टू अपनी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालेगा, और सरफेस का डिस्टेंस कितना है, b, तो सरफेस का पोटेंशियल क्या निकालेगा, माइनस q1 बाय b एंड q1 प्लस q2 बाय b, तो ये दोनों का पोटेंशियल हो गया आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं, पॉइंट थ्री, जो पॉइंट थ्री है सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका, वाई। अब शेल नंबर वन क्या कंट्रीब्यूट करेगा वी में, तो शेल नंबर वन कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे शेल से बाहर लाई करता है, कितना बाहर, वाई, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लो क्यू वन बाय वाई, मेरा ही चार्ज और ये डिस्टेंस। शेल नंबर टू क्या कहता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे भी शेल के बाहर लाई करता है, तो अगर शेल नंबर टू के बाहर लाई करता है तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, माइनस क्यू वन बाय कितना, वाई, एंड क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाय वाई। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, सारा खेल ही डिस्टेंस का और कोई खेल ही नहीं है इसमें, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, जिसको जो डाउट है वो अभी के अभी पूछ लेगा, सो दैट उसको कोई दिक्कत ना आए। ये लो, तो क्वेश्चन है, एक कॉपी ले अपनी प्लीज, दो शेल्स लें, दो शेल्स हैं, एक शेल के ऊपर जो चार्ज है वो 2 कूलम है, एक के ऊपर 4 कूलम है, इसका रेडियस 4 मीटर है, इसका रेडियस 6 मीटर है, ठीक। तो आपको पॉइंट नंबर वन पे E निकालना है और V निकालना है, E एंड V दोनों निकालने हैं आपको। इस पॉइंट पे जो कि ये मान लो 5 मीटर है, 5 मीटर पे E एंड V निकालना है, और आपको 7 मीटर पे E एंड V निकालना है। तो आपको दो शेल्स के रेडियस दे दिए मैंने, और आपको पॉइंट्स दे दिए 1, 2, 3, इनके डिस्टेंसेस दे दिए, आप E और V प्लीज कैलकुलेट करें, और कोई डाउट है तो मुझसे भी पूछ ले प्लीज।
इंडक्शन मत लगाना, फायदा ही नहीं होगा इंडक्शन लगाने का, बता तो दिया मैंने आपको। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में इंडक्शन लगा दोगे तो नुकसान नहीं है कोई भी, थोड़ा सा एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर मैं ई की वैल्यू कैलकुलेट करूं, स्टार्ट करता हूं इस पॉइंट से, आप अपने आंसर प्लीज चेक कर लेना। यहां पे सबसे पहले पॉइंट ये लेते हैं, फर्स्ट शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर ई का क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट शेल के इनसाइड लाई करता है तो जीरो। सेकेंड शेल का भी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि ये पॉइंट उसके भी इनसाइड लाई करता है, तो ई दोनों में क्या रहेगा, जीरो। ठीक हो गया। अगर पॉइंट नंबर टू की बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर ई क्या होगा, देखो फर्स्ट शेल के लिए कितनी दूर है ये पॉइंट, फाइव। तो फर्स्ट शेल क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, फर्स्ट शेल का खुद का चार्ज कितना है, टू, और डिस्टेंस कितना है, फाइव। तो टू डिवाइडेड बाई फाइव का स्क्वायर, तो फर्स्ट शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। लेकिन सेकेंड शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो मैं तो यहां पर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। तो क्लियर है यहां तक, तो फर्स्ट शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन शो करना है, सेकेंड शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन शो नहीं करना, डन। ठीक है, कोई डाउट इसमें, इंडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, पर कोई पूछे क्या इसमें इंडक्शन लगती है, हाँ या ना, हाँ लगती है। किसी टीचर को बोलना ना कि सर ने कहा है कि इंडक्शन लगनी बंद हो गई आज से, लगती है, पर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इंडक्शन के इफेक्ट कैंसिल होते हैं। नेक्स्ट, यहां पे, तो यहां पे एंड में ई और इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो ई की वैल्यू विल बी इक्वल टू, फर्स्ट शेल के लिए पॉइंट बाहर लाई करता है तो फर्स्ट शेल का चार्ज बाय सेवन स्क्वायर, सेकेंड शेल के लिए भी ये बाहर लाई करता है फोर डिवाइडेड बाय सेवन का स्क्वायर आंसर। क्या ये ई क्लियर है, हाउ टू कैलकुलेट ई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, अब बारी है किसकी, वी की। चलो वी कैलकुलेट करते हैं। देखो वी की कैलकुलेशन पॉइंट नंबर वन पे फिर से आ जाते हैं, वी यहां पे, वी की कैलकुलेशन। अब ये पॉइंट फर्स्ट शेल के अंदर लाई करता है तो फर्स्ट शेल जितना सरफेस पे पोटेंशियल लगाएगा उतना ही अंदर लगा देगा, तो सरफेस के ऊपर क्या पोटेंशियल लगाएगा, इसका चार्ज कितना है, टू, और इसका रेडियस कितना है, फोर, राइट। तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, टू डिवाइडेड बाई इसका रेडियस फोर। अब सेकेंड शेल क्या कहता है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे भी अंदर लाई करता है तो मेरी सरफेस का पोटेंशियल लगा दो, तो मेरी सरफेस का पोटेंशियल कितना है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर डिवाइडेड बाय सिक्स, इसका रेडियस सिक्स है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक प्रबल? कुछ नहीं करना, सरफेस का पोटेंशियल निकालने के लिए सरफेस का रेडियस ले लेना बस, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम बाहर निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पॉइंट दोनों के बाहर लाई करता है तो फर्स्ट शेल के लिए दूरी सेवन है और सेकेंड के लिए दूरी कितनी है, फिर से सेवन है आंसर। तो ई और वी की कैलकुलेशन समझ में आ रही है, तो क्योंकि क्योंकि दोनों के सेंटर से डिस्टेंस कितने, सेवन है, तो दोनों डिस्टेंसेस क्या लेंगे हम, इसमें सेवन लेंगे। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो वो कहीं ना कहीं ई और वी के ऊपर कैलकुलेशन करवाता रहेगा। बहुत बढ़िया टाइप के क्वेश्चन ई और वी के बनते रहेंगे शेल्स के ऊपर, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लगाते जाना, बस वो छह फॉर्मूलाज हैं जो शुरू में हमने यूज किए वही बार बार यूज होने, घर जाके रिवाइज भी तो करोगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, डाउट है पूछ लो, पूछ लो, कोई टेंशन नहीं। कहां पे, सेकंड वाला, सेकंड ये वाला, यहां पे फर्स्ट शेल के लिए ये फाइव मीटर दूर है तो टू अपॉन फाइव, सेकेंड शेल के लिए अंदर पॉइंट है तो अपने सरफेस का पोटेंशियल फोर पॉन इसका रेडियस, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कहाँ है, सिक्स, बोरा सिक्स, तो फोर पॉन सिक्स। ठीक है यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक, तो अब मैंने क्या बताया, इंडक्शन इन टाइप में लेके, इन टाइप की प्रॉब्लम में इंडक्शन को लेके फायदा होगा नहीं, हालांकि आप ले लोगे तो नुकसान होगा भी नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रिजल्ट थोड़े बड़े हो जाएंगे, कैंसिलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, बिना इंडक्शन के कर देंगे। ठीक हो गया। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये शेल्स है, ये शेल है, और मैं ये चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें। ये शेल है, इस शेल के एक्स इज इक्वल टू, ये तीन चार्जेस हैं, डिस्टेंसेस भी गिवन है,
एक्स इज इक्वल टू 5R/2 पे ई और वी निकाल लें प्लीज, ई निकाल लें और वी निकाल लें। ये पॉइंट जो है 5R/2 पे है, एक यहां पे निकालो, एक और पॉइंट देता हूं, एक और पॉइंट लो यहां से 7R/2 पे भी निकालो, मान लो ये 7R/2 है, और एक पॉइंट ये भी लो यहां पे भी निकालो, तीन पॉइंट्स लो, 7R/2 पे भी निकालो और सबसे अंदर के शेल के अंदर भी निकालो।
ओके, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 7r/2 की अगर बात करते हैं तो 7r/2, 5r/2 क्या आंसर आया? 5r/2 पे किया, फर्स्ट शेल का कंट्रीब्यूशन बोलो, फर्स्ट शेल का नहीं, ई जीरो नहीं होगा, 1/4 pi epsilon नॉट Q1/5r/2 का होल स्क्वायर, सेकेंड शेल का Q2/5r/2 का होल स्क्वायर, थर्ड शेल का ई जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, और ऐसे एक बार वी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पर फर्स्ट शेल का वी क्या होगा? 1/4 pi epsilon नॉट Q1/5r/2, और सेकेंड शेल का Q2/5r/2, थर्ड शेल का जितना सरफेस पे, तो Q3/3r कितना? 3r। कहां पे? ये रही शीट में, ये देखो ना, Q1/5r/2 का होल स्क्वायर, इधर देखो Q2/5r/2 का होल स्क्वायर, और आखिरी शेल का कंट्रीब्यूशन जीरो। ठीक है, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल, अंदर भी सेम रहेगा ना, अंदर लाई करता है वो। अब अगला क्वेश्चन आएगा, फिर से तीन शेल्स हैं, तो हमने ये फैसला कर लिया हम इंडक्शन नहीं लेंगे। अब एक क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव, जिसमें तीन शेल्स हैं, Q1 Q2 Q3 मेरे दिए हुए चार्जेस हैं, और पेंसिल से जो ड्रॉ किया वो इंडक्शन है। तो ये Q1 माइनस Q1 प्लस Q1, तो ये Q1 प्लस Q2 आगे नेगेटिव साइन, और ये प्लस Q1 प्लस Q2 कुछ ऐसे, राइट? तो ये इंडक्शन लगाई। आपको अगर इंडक्शन क्यों लगाई? अभी तो मना किया, ई और वी में इंडक्शन नहीं लगाना, लेकिन क्वेश्चन है आपको सिग्मा निकालना है, किसका? आउटर सरफेस का। अब जब सिग्मा की कैलकुलेशन आएगी, जब सिग्मा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर आपने इंडक्शन 100% लगानी है। क्यों? क्योंकि सिग्मा के अंदर चार्जेस आएंगे, और चार्जेस पूरे पूरे लेने पड़ेंगे, तो इंडक्शन का अफेक्ट ई और वी की कैलकुलेशन में नहीं लेना, पर अदरवाइज आपने लेना है। तो इसीलिए यहां पे जो सिग्मा होगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन बाहर का एरिया, और यहां पे जो सिग्मा होगा माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन यहां का एरिया। तो इसका मतलब इंडक्शन कहां लेनी और कहां नहीं लेनी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये प्रैक्टिस से आएगा। तो मैंने शीट में रूल बना दिए, अगर सिंपल शेल्स हैं तीन और ई और वी पूछ रहे, मैं इंडक्शन नहीं लूंगा, अगर सिग्मा पूछ रहे मैं 100% इंडक्शन लूंगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जैसे इस शीट के अंदर यहां पे आते हैं, आपको बुक्स के अंदर कभी कभी जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो ऐसे फिर से कंसेंट्रिक शेल दिखेंगे, पर वो एक्चुअल में कंसेंट्रिक शेल होगा ही नहीं। एक्चुअल में देखो येलो कलर की शेडिंग हो रखी है, दिस इज अ मेटल, दिस इज अ कंडक्टर, तो ये कंडक्टिंग मटीरियल है बीच में। क्लियर है यहां तक? तो बीच में क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है। तो अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये कंसेंट्रिक शेल्स नहीं है, ये एक शेल है और थिक शेल है। तो दिस इज अ थिक शेल, मोटा शेल है, अंदर कंडक्टर है, और यहां पर एक पॉइंट चार्ज है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस क्या, कई बुक्स इसमें ऐसा कर देती हैं, कई बुक्स इसमें शेडिंग करती हैं, कई बुक्स नहीं करती। जो नहीं करती, स्टूडेंट सोचता है कि दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, जो करती हैं समझ में आता है ये एक थिक शेल है। तो एक्चुअल में ये एक थिक शेल है, कंडक्टर है। तो अगर यहां पॉइंट चार्ज है क्यू, तो बाय इंडक्शन माइनस क्यू, बाय इंडक्शन प्लस क्यू, बीच में कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि बीच के अंदर कंडक्टर है, और ई वहां पर क्या होगा? जीरो। चार्ज भी वहां पर क्या होगा? होगा ही नहीं। कोई डाउट इसमें? तो इंडक्शन के जो ये कॉन्सेप्ट है, यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या आएगा, अगर उसने ये पूछ लिया कि सिग्मा निकालो अंदर की सरफेस का, तो अंदर की सरफेस का चार्ज कितना है? माइनस क्यू, और एरिया कितना है? 4πa2। बाहर का सिग्मा निकालो क्यू, और एरिया कितना है? 4πb2। तो इंडक्शन अगर आपने नहीं ली, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्री करते हो? तो सिग्मा की कैलकुलेशन में इंडक्शन लेना है। पर अगर सेम क्वेश्चन आता है कि मुझे एक्स डिस्टेंस पे ई और वी निकाल के दो,
तो एक्स डिस्टेंस पे ई कौन लगाएगा? पहला पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज एक्स डिस्टेंस पे ई क्या लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और ये माइनस क्यू क्या लगाएगा? माइनस क्यू के एक्स दूरी पे ये चार्ज डिस्टेंस है, तो माइनस क्यू बाय एक्स स्क्वायर। प्लस क्यू क्या लगाएगा? प्लस क्यू के भी एक्स दूरी पे पॉइंट है, प्लस क्यू बाय एक्स स्क्वायर। इंडक्शन के इफेक्ट फिर से आपस में कैंसल। आपने देखा ई और वी की कैलकुलेशन में इंडक्शन के इफेक्ट कैंसल हो रहे हैं, लेकिन सिग्मा की कैलकुलेशन में, सिग्मा की कैलकुलेशन में आपको ये जो इंडक्शन है वो लेना ही पड़ेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट है, ये एक क्वेश्चन है, एक शेल है, शेल की सरफेस पे आर डिस्टेंस पे वी गिवन है, सरफेस पे वी गिवन है। तो कह रहे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इज वी। आपको पोटेंशियल कहां पे निकालना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। तो आपको स्मॉल आर डिस्टेंस पे सॉरी पोटेंशियली ई निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको कि उसमें क्या प्रॉब्लम है? आंसर आ तो गया, चार्ज क्यू है, तो आंसर क्या होगा? ई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आंसर नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर वी की फॉर्म में निकालना है। तो क्या करेंगे? सरफेस के ऊपर वी क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल लिया, मुझे एक्स दूरी स्मॉल आर दूरी पे ई निकालना है। इस चार्ज को उठा के यहां से यहां पुट कर दिया, आंसर तो कुछ भी नहीं किया, एक वी का फॉर्मूला ले लिया, वी के फॉर्मूले से चार्ज निकाल लिया, फिर उसको किस में पुट कर दिया? ई में पुट कर दिया। तो ई इन टर्म्स ऑफ वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप शीट से मिलेगा, तो आप एक बार जब करोगे प्रैक्टिस अपने आप, ये तो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है एनसीईआरटी में, नीट में, मेंस में, पता एक तो होता है कि एक एक बार आया है, एक होता है कई बार आया है, ये कई बार आया हुआ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। कि इन एन एक्सपेरिमेंट, पीछे वाला उसकी टर्म में निकालना है, वी गिवन है उसकी टर्म में निकालना है। इन एन एक्सपेरिमेंट एन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं सेम साइज के, आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ वी ईच। तो एक छोटे से चार्ज पे पोटेंशियल वी है, इफ दे कंबाइन और एक बड़ा ड्रॉप बन जाए, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा ये बताओ। आपको सिर्फ छोटे ड्रॉप का वी गिवन है, ना उसका चार्ज गिवन है, ना उसका रेडियस गिवन है, राइट? तो पहली चीज, जब ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो वॉल्यूम इक्वेट होता है, तो एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम, छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम, क्या है पॉइंट? क्लियर है? तो ये टर्म क्लियर है। तो यहां से एन आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, सॉल्व करके कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? राइट, क्लियर है यहां तक? रेडियस का रेशियो आ गया। अब वो क्या कह रहा है? एक छोटा ड्रॉप है, मान लेते हैं उसका रेडियस छोटा आर है, चार्ज कितने क्यू है, तो पोटेंशियल वी गिवन है, या पोटेंशियल वी गिवन है, हाँ, तो वी की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर गिवन है। फिर ड्रॉप कंबाइन हो गए, बड़ा ड्रॉप बन गया। जब ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं ना, तो चार्ज हवा में तो उड़ेगा नहीं, चार्ज ऐड हो जाएगा, तो q+q+q n टाइम्स, चार्ज कितना हो गया? एन क्यू। क्लियर है यहां तक? चार्ज कितना हो गया? एन इंटू क्यू। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका नया चार्ज कितना है? एन क्यू अपॉन इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो क्या है पॉइंट? क्लियर है, पोटेंशियल आ गया। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल आर की जो वैल्यू है, राइट, जो कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, हमने निकाला, इस कैपिटल आर को आपने यहां पे पुट कर दिया, ये रहा, तो n की पावर 1 बाई 3, तो क्या होगा? n^2 पावर 2 बाई 3, तो आंसर आ गया। ये पोटेंशियल आपको छोटे ड्रॉप का गिवन था v, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल इज n^2 पावर 2 बाई 3 इंटू छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल। ये याद कर सकते हो फॉर्मूले के अंदर, रिजल्ट लिख लेना। आज चांस की बात है 2021 का मेंस का पेपर दूंगा सॉल्व करने के लिए, भी आपको स्टूडेंट्स को बांट ही रहा था, इंटीजर टाइप 2021 में सेम क्वेश्चन, 512 ड्रॉप्स कंबाइन हो गए और ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो बताओ कंबाइन होने के बाद बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? यार फॉर्मूला याद है, एन को 512 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कई बार आया है 27 ड्रॉप्स कंबाइन हो गए, 9 ड्रॉप्स कंबाइन हो गए,
फॉर्मूला लिख लो, जब ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो नया पोटेंशियल क्या होता है, एन की पावर 2/3 इंटू छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल, छोटे छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल ये रहा, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल ये रहा, चार्ज एन क्यू हो गया ना, रेडियस कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आर तो आपको गिवन ही है, वॉल्यूम से निकाल लिया, पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, एंड में फॉर्मूला याद कर लिया, वो सॉल्व करना 2/3 करना है, 2/3 क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये रहा, देखो अब जो क्वेश्चन है उसमें अर्थिंग गिवन होगी, एक स्टेप एक्स्ट्रा, अर्थिंग की प्रॉब्लम कैसे करनी है इसको जरा ध्यान से देखना। देखो अर्थ क्या है, जिस भी चीज को अर्थ टच कर ले उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। अर्थ हमेशा न्यूट्रल होती है और उसका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो। अगर मैंने भी टच कर लिया किसी भी, मैं अर्थ के साथ कनेक्टेड हूं और मैंने किसी भी चीज को टच किया जो चार्ज बॉडी है, तो अर्थ ने मेरे को जीरो पोटेंशियल पे किया और मैं उस बॉडी को जीरो पोटेंशियल पे कर दूंगा, तो हम सब जो जो अर्थ के कॉन्टेक्ट में है वो न्यूट्रल हो जाएंगे और जीरो पोटेंशियल पे हो जाएंगे, राइट। अब क्वेश्चन ये है, दो शेल्स हैं, एक चार्ज क्या है Q1, मैंने दिया अंदर, आउटर शेल कंसेंट्रिक है, मैंने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करते ही अर्थ का पहला काम क्या होगा, अर्थ ने इसके पोटेंशियल को क्या कर देना है, इक्वल टू जीरो। वो कहती है जिसको मैंने टच कर दिया उसका पोटेंशियल जीरो। तो जीरो करने के चक्कर में, जीरो करने से पहले आपका दिमाग क्या कहेगा कि अगर ये Q1 है तो बाय इंडक्शन यहां पर चार्ज क्या आना चाहिए, माइनस Q1, माइनस Q1 यहां पे क्या आना चाहिए, प्लस Q1। स्टूडेंट नॉर्मली ऐसे सोच लेता है कि यहां पे अर्थ लग गई ना तो ये चार्ज उड़ गया खत्म, आंसर सही, ऐसे सोचते हैं कि चार्ज गया खत्म, क्योंकि अर्थ जिसको टच करती है वो चार्ज और न्यूट्रल कर देता है, बात खत्म। ऐसा नहीं सोचना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आपका ये मेन कॉन्सेप्ट अर्थिंग का ये है कि अर्थ ने क्या करना है, अर्थ ने जिसको टच कर लिया उसका पोटेंशियल जीरो। तो आपने अब ये देखना है कि यहां पे अर्थ ने इसको कितना चार्ज दिया, ये आपको बताना है। एक बात बताओ, चार्ज दिया क्यों, क्योंकि बाय इंडक्शन यहां पर क्या हो गई थी, डेफिशिएंसी, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के उस डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, पूरा। तभी तो चार्ज अर्थ से कहां जाएगा, शेल में जाएगा। अब पॉइंट ये है कि कितना चार्ज दिया, ये मेरा क्वेश्चन है। देखो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर ये Q1 है तो Q1 ने यहां पे कुछ पोटेंशियल लगाया होगा, कितना लगाया होगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 डिवाइडेड बाय 2R लगाया होगा, लगाया है? तो यहां पर चार्ज माइनस Q1 आया होगा, माइनस Q1 आया होगा बाय इंडक्शन, तो माइनस Q1 ने भी यहां पोटेंशियल लगाया होगा, कितना, 1/4 pi epsilon naught माइनस Q1 बाय 2R लगाया होगा। अरे इन दोनों ने ही पोटेंशियल क्या कर दिया, आउटर पॉइंट का जीरो, तो गारंटेड है इस आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज बचना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी अर्थ की। तो अर्थ कहती है कि नेट पोटेंशियल क्या आना चाहिए, जीरो, और देखो मेरा जीरो आ गया, तो इसका मतलब आउटर सरफेस में मेरे को किसी चार्ज की जरूरत है ही नहीं, ठीक। पर आप कहोगे सर इंडक्शन, हाँ तो इंडक्शन ने यहां पर क्या चार्ज प्रोड्यूस किया था, Q1 किया था ना, तो अर्थ क्या करेगी, इतना ही चार्ज इसको देके इसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी, ताकि ये दोनों मिलके यहां पर पोटेंशियल क्या लगाएं, जीरो। इसलिए नेट पोटेंशियल जीरो है, तो अर्थ हैज टू सप्लाई कितना चार्ज, माइनस Q1, क्योंकि डेफिशिएंसी कितनी थी, प्लस Q1, तो अर्थ कितना सप्लाई करेगी, माइनस Q1 चार्ज, सो दैट नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। Q1 है यहां पे, माइनस Q1 है,
Q1 ने यहां पोटेंशियल लगाया, ये रहा Q1 by 2R, माइनस Q1 जो यहां लूंगा मैं, वो माइनस Q1 भी यहां पे क्या पोटेंशियल लगाएगा, सेम, नेट आंसर जीरो। तो ये तो मानते हो ना यहां पे कोई चार्ज बचना नहीं चाहिए। पर इंडक्शन क्या कहती है, मैं यहां चार्ज कितना दूंगी Q1, अर्थ क्या कहती है, मैं चार्ज रखूंगी नहीं क्योंकि मेरा पोटेंशियल तो इन दोनों ने उठा के क्या कर दिया, जीरो। तो वो कितना चार्ज देगी यहां पे, माइनस Q1, ताकि ऊपर वाले चार्ज को वो खत्म कर दे, ताकि नेट आंसर पोटेंशियल का क्या आ जाए, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसकी एक्सप्लेनेशन कोई ऐसे देने की कोशिश करे, इसलिए चार्ज चला गया क्योंकि अर्थ कनेक्टेड थी, ये एक्सप्लेनेशन गलत है कि मैंने अर्थ को जोड़ा तो अर्थ ने चार्ज को गायब कर दिया, ये एक्सप्लेनेशन ही गलत है। एक्सप्लेनेशन वी के साथ देनी है, अर्थ जिसको टच करेगी उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और क्योंकि इन दोनों ने उठा के पोटेंशियल ऑलरेडी जीरो किया हुआ है, तो यहां मुझे अर्थ का कोई चार्ज चाहिए नहीं। ये कौन डिसाइड कर, अर्थ डिसाइड कर रही है। अर्थ कॉपी लेके बैठ जाएगी, वो कहेगी देखो जी दो चार्ज का पोटेंशियल जीरो आ गया ना, मेरे को तीसरा चाहिए ही नहीं, तोड़ा वो इससे उड़ा देगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? इससे बड़े लेवल का क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये क्लियर है? मैं आपको ना एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे ज्यादा क्लैरिटी है। ये देखो, सपोज तीन शेल्स हैं, अंदर के शेल पे मैंने चार्ज दिया क्यू, सबसे आउटर शेल पे मैंने चार्ज दिया 2Q दे दिया, बीच का जो शेल है उस पे मैंने क्या लगाई, इंडक्शन, ओ सॉरी अर्थ कर दिया, ऑन कर दिया। क्वेश्चन ये है कि बताओ इस शेल के ऊपर कितना चार्ज रहेगा? आपको क्या रहेगा, अरे अर्थ कनेक्ट हो गई, चार्ज तो गया। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, आपकी अर्थिंग के सारे न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। अगर आपने ये लॉजिक लगा दिया कि अर्थ ने इसको टच किया तो इसका चार्ज क्या हो गया, जीरो, कि तो अर्थ में चला गया, नहीं हो सकता। ये नहीं लगाना आपने, क्या लगाना है, आपने उस शेल पे पोटेंशियल को क्या करना है, जीरो, जिसको अर्थ ने टच कर लिया। अब अर्थ की मर्जी है कि वो यहां चार्ज रखे या ना रखे, क्योंकि उसको नेट पोटेंशियल क्या करना है, जीरो। मैं करके दिखाता हूं अर्थ करती क्या है। तो सबसे पहले ये चार्ज कितने, क्यू, तो बाय इंडक्शन यहां पे चार्ज क्या आया, माइनस क्यू। बाय इंडक्शन यहां पर क्या आना चाहिए था, प्लस क्यू, पर नहीं आया, कितना लिया मैंने, क्यू डैश। आपको कि ये क्या चक्कर है, अभी इतनी देर से बोल रहे हैं क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये क्या कर दिया, क्यू डैश क्यों? क्योंकि अर्थ ने फैसला करना है। अगर ये अर्थ ना होती ना, अगर ये अर्थ हटा दूं मैं, तो नो डाउट माइनस क्यू के बाद प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं। पर यहां फैसला मैं नहीं कर सकता, यहां किसने करना है, अर्थ ने करना है। अर्थ कहती है कि ठीक है आप यहां इंडक्शन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर यह फैसला मैं करूंगी कि यहां चार्ज क्या होगा, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूं और मुझे इस शेल को वी को क्या करना है, जीरो। तो अर्थ कहती है आप अपने रूल मत लगाओ, माइनस क्यू के बाद आप यहां पर मेरी सुनो, और मैंने इमेजिन किया या मेरी तरफ से चार्ज कितना है इसमें, क्यू डैश। हाँ, फिर ऊपर इंडक्शन लगी, माइनस क्यू डैश और फिर क्यू डैश। अब अर्थ फैसला कैसे करती है, अर्थ ये कहती है कि ठीक है मेरी होस, अर्थ कहती है ठीक है हो सकता है ये प्लस क्यू भी हो, मैं कह नहीं सकती, मैं करके देखती हूं। तो अर्थ क्या करेगी, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या करेगी, जीरो। अब यहां पोटेंशियल लगाएगा कौन, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज और पांच चार्ज, ये सारे के सारे पोटेंशियल लगाएंगे और नेट पोटेंशियल क्या आना चाहिए, जीरो। तो अर्थ अपनी कॉपी लेके बैठ जाएगी और कहेगी देखो यहां पे पोटेंशियल क्यू क्या लगाएगा, क्योंकि ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, 2R, तो इसका पोटेंशियल कितना है, क्यू बाय 2R। फर्स्ट शेल ने पोटेंशियल लगा दिया यहां पे, सेकंड शेल के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल माइनस क्यू बाय 2R, क्यू डैश की वजह से अगेन क्यू डैश बाय 2R, माइनस क्यू डैश की वजह से माइनस क्यू डैश बाय 3R। वो क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसके इनसाइड लाई करता है, और अगर शेल के अंदर लाई करता है तो शेल की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा और जो अंदर पोटेंशियल होगा एग्जैक्टली सेम होगा। तो सरफेस पे क्या होगा, माइनस क्यू डैश बाई 3R, और ये भी क्या करेगा, दिस बाय 3R, और नेट पोटेंशियल उठा के अर्थ ने क्या कर दिया, जीरो जीरो। सॉल्व किया, ये आंसर आया, देखो आंसर माइनस क्यू से डिफर कर गया। अर्थ की मर्जी, अर्थ ने पोटेंशियल को जीरो करने के चक्कर में, अर्थ ने पोटेंशियल को जीरो करना ही करना है,
तो इसीलिए आपने यहां पर क्या करना है, प्लस क्यू नहीं लेना, माइनस यहां पे क्या लेना है, क्यू डैश लेना है। लेकिन ये रूल हर बार नहीं है, जहां अर्थ नहीं ना वहां कोई चक्कर नहीं, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ओके, पर जहां अर्थ आ गई, जहां अर्थिंग आ गई, ये री अर्थिंग, तो इसके नीचे इंडक्शन लगेगी, इसके ऊपर भी इंडक्शन लगेगी, पर यहां पर चार्ज यहां इंडक्शन नहीं लगेगी, माइनस क्यू क्यू नहीं लगेगा, माइनस क्यू क्यू डैश, क्योंकि यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस स्फीयर को अर्थ ने टच किया वहां चार्ज कितना है, अगर वही इंडक्शन से आपने बता दिया फिर क्वेश्चन क्या बना, कुछ भी नहीं, फिर पोटेंशियल का तो रूल ही नहीं चला। तो पॉइंट समझ में आया कि जब इस तीन शेल्स की प्रॉब्लम आएगी और एक को अर्थ करेंगे, तो आपने जहां अर्थ किया वहां का चार्ज अपना रूल नहीं लगाना, वहां क्यू डैश एक्स कर देना है, बाकी जो मर्जी लगाओ, और नेट पोटेंशियल उस सरफेस पे क्या कर देना है, जीरो। आउटर और इनर मिला के जीरो, मैंने सारे चार्जेस का पोटेंशियल जीरो बोला, मैंने कहा पांच चार्जेस हैं, एक दो तीन चार और पांच, पांचों का पोटेंशियल ऐड किया मैंने इक्वल टू जीरो, नेट पोटेंशियल सिस्टम का जीरो कर देगी पूरे हर हर चार्ज का। हाँ हाँ इनर आउटर का तो सेम ही होगा ना, ये तो थिन शेल्स हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई भी। समझ में आ रहा है यहां तक, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है, समझ में आ रहा है, बोलो कौन सी से बोलो, इसकी माइनस इधर, ये रहा माइनस क्यू, फिर नहीं या इंडक्शन चलती है, जहां अर्थ आ गई वहां नहीं चलती, ऊपर की तरफ, या अगर नीचे अर्थ होती तो नीचे नहीं चलती, फिर क्यू डैश आता, जहां अर्थ कनेक्टेड है वहां क्यू डैश आएगा, वहां आपने रूल नहीं लगाना है, वहां जीरो, जहां अर्थ किया हुआ वो जीरो, वहां तो होएगा, वहां तो होएगा, वहां तो होएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। हालांकि मैंने इसका आगे ना प्रूफ भी दिया हुआ है, तो प्रूफ जरा नेक्स्ट टाइम करवाता हूं इसका, कैसे मैंने किया, थोड़ा टाइम लगेगा, गॉस थ्योरम से प्रूफ किया हुआ है, अभी जरूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, हाँ ये भी कर सकते हैं, उससे पहले दो शेल्स हैं 2q और q, 2q और q मैंने चार्ज दे दिया, और फिर क्या किया, ध्यान आगे, ये चार्ज मैंने दे दिया, तो इनर शेल पे चार्ज कितना है 2q, मैंने अर्थ कर दिया इसे, मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया और मैंने इसमें अर्थिंग कर दी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अर्थिंग की, वो कहते हैं यहां पे चार्ज कितना रह गया ये बताओ, अरे आपको 2q था तो था, अब अर्थ क्या करेगी, आपके रूल तो सुनेगी नहीं, वो कहती देखो मैंने इसको टच किया तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो अर्थ कहती है ठीक है भूल जाओ 2q, अर्थ कहती है अब सोचो यहां पर चार्ज कितना है, भूल जाओ 2q, जितना मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, यहां पोटेंशियल जीरो, तो यहां पोटेंशियल कौन लगाएगा, क्यू डैश एंड क्यू, क्यू डैश कितना लगाएगा, क्यू डैश लगाएगा 1/4πε0 क्यू डैश बाय आर, सिर्फ आर, और क्यू कितना लगाएगा 1/4πε0, क्यू के लिए ये पॉइंट इसके अंदर है, तो अपने सरफेस जितना लगाएगा, सरफेस पे कितना है क्यू बाय 3r, तो इसकी सरफेस पे जो सेकेंड शेल है, जो सेकेंड शेल है उसकी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय 3r, और नेट वैल्यू क्या आएगी इसकी पोटेंशियल की, जीरो। तो देखो ना आंसर आ गया माइनस क्यू बाय 3। तो अर्थ कहती है 2q नहीं रखूंगी, कितना रखूंगी, माइनस क्यू बाय 3 रखूंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। वो अर्थ कहती है तुम जितना में चार रख दो, मैंने खुद एडजस्ट कर देना है, इंडक्शन का इफेक्ट नहीं आएगा इसमें। अर्थ कहती है तुम जो मर्जी करे जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने तो क्यू डैश से कर देना है। हाँ ये अब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ सकता है, अब इसमें फाइनल चार्ज क्या आया, माइनस क्यू बाई 3। चार्ज था कितना पहले 2q, ध्यान आगे प्लीज, पहले क्या थी डेफिशिएंसी, अब कितना हो गया एक्सेस, इसका मतलब अर्थ ने पहले डेफिशिएंसी पूरी की होगी 2q की, फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा माइनस क्यू बाई 3 दिया होगा, तो अर्थ की तरफ से चार्ज कितना आ गया 2q, तो गया ही गया, साथ में माइनस क्यू बाई 3 भी गया, तो ऐड कर लेना दोनों को,
इतना चार्ज इसको देना पड़ा उसको सेट करने के लिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हो गए ना, कि एक तो फाइनल चार्ज बता दो 2q, 2q की जगह -q/3, दूसरा अर्थ की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, तो पहले उसने डेफिशिएंसी पूरी की होगी, फिर ये नेगेटिव की एंट्री की होगी उसमें एक्सेस में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा। बट आपको पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, टाइम बता देना मुझे कितना हुआ है। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं आपको कुछ शीट्स दे रहा हूं और होमवर्क दे रहा हूं, वो आपने होमवर्क करके लाना है। एक तो मैं आपको मेंस की शीट दे रहा हूं, नीट वालों को तो लास्ट टाइम दे दी थी पूरे चैप्टर की, वो करेंगे। मेंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो एक शीट बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लेके जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऑब्जेक्टिव भी 2021 और 2020 के पेपर है। एंड जो आपकी ऑब्जेक्टिव शीट है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 13 और 14 भी सोल्व करके लानी है नेक्स्ट टाइम। 13 और 14 मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, क्या क्या होमवर्क है ग्रुप पे डाल दूंगा। जाते हुए ठीक है, जाते हुए डालता हूँ, रुको। ऑनलाइन वालों को क्लियर है?